तो दोस्तों आज आप सबको इस टाइप का प्रपोजल फोटो और वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा। सो आप सबको भी इस टाइप की वीडियो बनानी है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको अपने क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल को आप लोग ओपन कर लेना और सर्च बार पे जाना और आपको सर्च करना है बींग इमेज क्रिएटर AI। ओके, तो जस्ट आप लोग जैसे ही सर्च कर तो एक नंबर पे जो वेबसाइट आएगा यहाँ से देख लो ये वाला, तो इस पर टैप करना तो कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एक बॉक्स मिलेगा, तो आपको इस बॉक्स में जो ये वाला टेक्स्ट है आप सबको पेस्ट कर देना है और ये टेक्स्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस टेक्स्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाकर टेलीग्राम से कॉपी करना। ओके, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पर आपका नेम रहेगा और यहाँ से दो नंबर पे जहाँ गर्ल्स का नाम है IOC वहाँ पर आपके पार्टनर का नेम रहेगा। तो आप लोग यहाँ से चेंज कर लेना, तो यहाँ पर अपना नाम लिख लेना और अपने पार्टनर का नाम लिख लेना। ओके, इतना हो जाने के बाद नीचे क्रिएट बटन पर टैप कर देना है। सो आप लोग फर्स्ट बार इसमें जब इमेज क्रिएट करोगे तो आपसे लॉगिन करने को बोलेगा, तो भाई आप लोग लॉगिन कर लेना यूट्यूब से देखकर। ओके, तो बाकी मैं पहले से लॉगिन कर लिया हूँ तो मेरा क्रिएटिंग चालू हो रहा है। ओके, सो भाई यहाँ से हल्का सा आप सबको वेट करना है। देखो नीचे बहुत सारा इमेज देगा बनाकर, तो देखो यहाँ से अब इसमें से आप सबको कोई सा भी इमेज अच्छा लगे वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर मान लो इस चारों में से कोई सा भी अच्छा ना लगे तो फिर से क्रिएट पर टैप करना तो और चार इमेज आएगा। तो लाइक मैं ये वाले फ़ोटो को डाउनलोड करता हूँ, तो जो फ़ोटो डाउनलोड करना होगा उस पर टैप कर देना। नीचे यहाँ से देखो थ्री डॉट पर टैप करना है और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। सो देखो यहाँ से आपका फ़ोटो डाउनलोड होकर रेडी हो जाएगा। ओके, एंड इतना हो जाने के बाद अब आप सबको जो आपका VN एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना। तो भाई इसको लाइट मोशन से भी कर सकते हो, कैपकट से भी कर सकते हो और इंसर्ट से भी कर सकते हो। ओके, तो नीचे प्लस पे टैप कर देना और न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना और यहाँ से आप लोग भाई अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना जो डाउनलोड किए हो अभी। ओके, तो इसको सेलेक्ट कर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से अपना कुछ स्टेप्स आएगा इंटरफेस। अब नीचे आपको सबसे लास्ट पे आ जाना है और देखो यहाँ से फालतू पार्ट, तो इसको डिलीट कर देना है। ओके, और जो फ़ोटो का लेंथ होगा आपका और यहाँ से आप लोग 7 सेकेंड रखना। ओके, तो 7 सेकेंड प्लस ही रखना और ऊपर ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है और 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब नीचे आप सबको यहाँ से एक ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा बीजी, तो बीजी पे टैप कर देना और यहाँ से इमेज वाला यहाँ से जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है और यहाँ से अपने फ़ोटो पे 2 फिंगर से टैप करना और इसको ऐसे छोटा करना। देखो कुछ स्टेप से, तो हल्का से ऐसे छोटा कर लेना आप लोग, कुछ इतना आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। और नीचे ब्लर का जो ओपेसिटी है देख लो, इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लेना। लाइक मैं इसको 15 कर रखता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। जस्ट नीचे बीजी के बाद एक बॉर्डर वाला ऑप्शन है, तो बॉर्डर पर टैप कर देना है और यहाँ से जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप लोग सेलेक्ट कर लेना और नीचे जो इसका ओपेसिटी है इसको आप लोग बढ़ा लेना ताकि बॉर्डर कितना चाहिए और इसको डन कर देना। ओके, तो अब देखो अपना कुछ इस टाइप से वीडियो बन चुका। अब ऊपर ब्लू तीर पे टैप करना और नीचे एक्सपोर्ट बटन पे टैप कर देना, तो यहाँ से जो आपका वीडियो है सेव होना चालू हो जाएगा। तो आपको हल्का सा वेट कर लेना है। ओके, तो वीडियो सेव हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ से बैक आ जाना है। ओके, और यहाँ से नीचे आप सबको सबसे पहले अपने फिर से क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च बार पे आ जाना है और आपको सर्च करना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। ओके, और देखो यहाँ से जो फर्स्ट में वेबसाइट आएगा इसी पर आप सबको क्लिक करना होगा। तो नीचे की ओर आप लोग स्क्रॉल करना और जो देखो यहाँ से नीचे लिखा होगा यूज टेम्पलेट इन कैपकट, इसी पर आप सबको क्लिक कर देना है। सो दोस्तों अब आप सबको देखो कुछ स्टेप्स इंटरफेस मिल जाएगा, तो नीचे आपको यूज टेम्पलेट पर टैप कर देना होगा और जो अभी आप लोग वीडियो को सेव किए हो और VN से उसको सेलेक्ट कर लेना और नीचे पे रिव्यू बटन पे टैप कर देना। सो देखो आपका एक क्लिक में वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। अब ऊपर एक्सपोर्ट बटन पे टैप करना और नीचे क्वालिटी को यहाँ से हल्का सा बढ़ा देना 1080 और डन कर देना। नीचे सेव एंड शेयर पर आप सबको टैप कर देना है। सो आपका वीडियो का एक्सपोर्टिंग जो है चालू हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।